मंत्रालय के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों जंगलों में जहां शासन की विकास योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है, वहां के लोगों के जीवन यापन हेतु घरेलू आवश्यकताओं की वस्तु देकर उनको लाभ पहुंचाना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की प्राथमिकता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रामीणों की सेवा, सहयोग एवं सुरक्षा में सदैव तत्पर रहती है और आगे भी रहेगी। इस प्रकार की कार्य योजना तैयार कर उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि ग्रामीण हमें अपना दोस्त समझें और समाज में अशांति व दहशत फैलाने वाले देश और समाज के दुश्मनों के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें, जिससे इस क्षेत्र में निरंतर शांति कायम रह सके और लोगों का विकास हो सके। उसी तारतम्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नागरिक कार्य योजना के अंतर्गत बिछिया जनपद के आउटपोस्ट अंतर्गत ग्राम पंचायत कटंगामाल, भानपुर खेड़ा, सहरही, रमेहपुर, उद्दली और अन्य गांव के ग्रामीणों के बीच दैनिक आवश्यकता के समान कंबल, मच्छरदानी, सोलर लाइट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, बर्तनों का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों सहित गाँव के शिक्षक, ग्रामीणजन सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। बिछिया से न्यूज रूम टीवी के लिए राज कौशिक की रिपोर्ट। सीआरपीएफ इस तरह के कार्यक्रम जिसमें नागरिक कार्य योजना के तहत हम सामग्रियां वितरित करते हैं नक्सल प्रभावित दूर दराज के इलाकों में, देश के प्रति भावना को जागृत कर सकें और गलत राह में जाने से रोक सकें इनको। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक हम इनके साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ संभव नहीं है। इसीलिए हम इनसे मेलजोल बढ़ाते हैं, दूर दूर जाते हैं, इनकी परेशानियां समझते हैं, इनकी गरीबी देखते हैं और सरकार को बताते हैं। इसमें हम लोग गाँव वालों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूरी सामग्रियाँ मुहैया करा रहे हैं, जैसे खेलकूद की सामग्री है जो हम स्कूलों को दे रहे हैं, रेडियो सेट्स है, कंबल है और स्कूल बैग्स और किताबें, कापी किताबें हम बच्चों को दे रहे हैं। पर चूँकि फोर्सेस हमेशा हथियारों और बल प्रयोग के लिए ही ज़्यादा जानी जाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन ये हमारा एक ऐसा चेहरा भी दिखाती है कि जो मानवीय पक्ष दिखाता है